नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ इंद्रमोहन। लाइव सिटीज के एग्जिट पोल में बात करने वाले हैं मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र की। कहा जाता है रोम पोप का और मधेपुरा गोप का। इस बार देखने वाली बात होगी कि मधेपुरा में कौन सा गोप कमाल करने वाला है। जेडीयू के कैंडिडेट हैं यहां से दिनेश चंद्र यादव, आरजेडी के कैंडिडेट हैं शरद यादव, और 2014 में यहां से चुनाव जीते पप्पू यादव भी चुनावी मैदान में हैं। तो कौन सा यादव यहां से चुनाव जीतने वाला है, किस यादव के हाथ मधेपुरा का ताज लगने वाला है। अगर आप इस साल वोटिंग परसेंट की बात करें तो तकरीबन 59.14% वोटिंग हुई है, जो कि 2014 के बनस्पत 1% लगभग ज्यादा है। वहीं अगर आप मधेपुरा लोकसभा के विधानसभा सीटों की बात करें तो 3 सीट पर जेडीयू का कब्जा है और 3 सीट पर यहां आरजेडी का कब्जा है। जातिगत आंकड़ों में 2 जातियां यहां पर प्रमुखता से है। यादव 22% के आसपास हैं और मुस्लिम भी यहां पर 12% हैं। अगर आप 2014 के चुनावी इतिहास को देख लें, जब जेडीयू और बीजेपी यहां पर अलग अलग चुनाव लड़ रही थी, उस वक्त जेडीयू 2014 में एनडीए का हिस्सा नहीं थी, लेकिन 2019 में वह एनडीए का हिस्सा है। ऐसे में 2014 में राजेश रंजन और पप्पू यादव को आरजेडी की तरफ से 3,68,937 वोट मिले, जबकि शरद यादव उस वक्त जेडीयू के कैंडिडेट थे, उन्हें 3,12,728 वोट मिले, और विजय कुमार सिंह जो बीजेपी के कैंडिडेट थे उन्हें 2,52,534 वोट मिले। ऐसे में इस बार देखना दिलचस्प है कि मधेपुरा की सीट पर किसका कब्जा होगा। क्या पप्पू यादव अपना करिश्मा बरकरार रख पाएंगे या आरजेडी ने शरद यादव को टिकट दिया है, जो पहले जेडीयू में थे वो यहां से चुनाव जीतने वाले हैं, या जेडीयू की तरफ से दिनेश चंद्र यादव यहां से चुनाव जीतने वाले हैं। लाइव सिटीज के एग्जिट पोल में जो हमने सैंपल साइज कलेक्ट किया है उसके अनुसार लाइव सिटीज के एग्जिट पोल में मधेपुरा लोकसभा की सीट जेडीयू के खाते में जाती दिख रही है। यहां से दिनेश चंद्र यादव चुनाव जीतते नजर आ रहे हैं, जबकि पप्पू यादव और शरद यादव दोनों की हार होती दिख रही है। मधेपुरा लोकसभा की सीट लाइव सिटीज के एग्जिट पोल में दिनेश चंद्र यादव यानी कि जेडीयू के खाते में जाती दिख रही है। इस सीट पर यादव का ही जोर है, लेकिन पार्टी बदल जा रही है। जो पहले 2014 में आरजेडी थी, इस बार आरजेडी की तरफ से शरद यादव थे, पप्पू यादव अपनी पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन इस बार इस सीट पर जेडीयू का कब्जा होने वाला है। तो लाइव सिटीज के एग्जिट पोल में मधेपुरा लोकसभा की सीट जेडीयू के खाते में जाती दिख रही है। अगर आप भी अपने सीट के एग्जिट पोल को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और खबरों को डिटेल से पढ़ने के लिए livecities.in पर जाएं। धन्यवाद।